चलो ओके, वी विल रिवाइज दैट पर्टिकुलर टेस्ट, टेस्ट एंड मेजरमेंट। देर इज अ डिफरेंट मोटर स्किल एंड मोटर टेस्ट। नंबर वन इज 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट। आगे ठीक है, इन लास्ट क्लास वी डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट बाय विच वी analyze any persons he or she is physically fit. ठीक है, there is some norm and condition. अगर हमने किसी भी गेम को हम खेलते हैं, आपने देखा होगा वहां पे उन्होंने फिजिकल फिटनेस टेस्ट रखा होता है। वेन एवर यू हैव एनी इंजरीज, एनी सॉर्ट ऑफ मिस हैपनिंग रिगार्डिंग, कोई भी अगर आप नहीं खेलते हो डोमेस्टिक रीजन से, पर्सनल रीजन से, इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेट वे आप आके बोलो कि मैंने टीम के जरिए सिलेक्शन देनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ग्राउंड फिटनेस टेस्ट होता है। कोई भी अगर आप गेम खेलते हो तो वो फिटनेस सर्टिफिकेट आपको पहले देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप, अभी आपने देखा होगा विराट कोहली लास्ट टू लास्ट सीरीज में वो मैच नहीं खेल रहा है, रैना जो फिटेस्ट आपके स्पोर्ट्स में है, आपके क्रिकेट टीम में है, ठीक है, इनको भी फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ा। तो दैट इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी प्लेयर्स व्हेन एवर यू आर गोइंग फॉर एनी नेशनल स्क्वाड, इंटरनेशनल टीम के लिए अगर आप जाते हो, तो आप अगर आफ्टर इंजरीज के आए हो तो ये नहीं कि आपकी परफॉर्मेंस देख के वो बोलेंगे इज अ वेरी गुड इसको रख लो, वो पहले आपका फिटनेस सर्टिफिकेट लेंगे। आपका जो फिजियोथेरेपिस्ट है, ट्रेनर्स हैं, वो सर्टिफिकेट देते हैं, वो टेस्ट लेते हैं, उसमें देर इज अ डिफरेंट टेस्ट, हर गेम के डिफरेंट टेस्ट उन्होंने रखे होते हैं, स्किल टेस्ट, ठीक है, उससे वो फिर उनको ये होता है कि ये पूरी तरह से फिट है। आफ्टर दैट दे विल ज्वाइन दैट पर्टिकुलर पर्सन और एथलीट फॉर द स्क्वाड जो आपकी टीम होती है। तो देर इज अ डिफरेंट सम टेस्ट जो आपको मैं आप थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, दैट इज 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट। एज यू नो स्टैंडिंग स्टार्ट दैट इज फॉर अ स्पीड, आपने 50 मीटर का स्टार्ट देना स्टैंडिंग स्टार्ट, ठीक है, अदरवाइज 100 मीटर में हम सिटिंग स्टार्ट देते हैं ना, बैठ के देते हैं, पर डिस्टेंस कम होने के कारण आपको स्टैंडिंग स्टार्ट देते हैं। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग एंड सिटिंग, वेयर वी गिव सिटिंग स्टार्ट, वेयर वी गिव स्टैंडिंग स्टार्ट, कहां पे देते हैं हम सिटिंग स्टार्ट? रेसिस भी टू टाइप्स की है ना, शॉर्ट है, मिडिल डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है। लॉन्ग में बैठ के देते हैं, लॉन्ग में हम बैठ के क्यों देंगे? सीटिंग स्टार्ट होता है 100 मीटर शॉर्ट स्प्रिंटिंग इवेंट्स में, ठीक है ना, वहां पे क्या होता है, ऑन योर मार्क सेट देन क्लैप और शाउट ऑफ गन, वो सीटिंग स्टार्ट होता है, वहां से आपने अपने आप को एक्सेलरेट करना है। बट इन मिडल डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस में स्टैंडिंग स्टार्ट होता है बिकॉज द डिस्टेंस इज वेरी लॉन्ग, तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। आप स्टैंडिंग स्टार्ट भी फर्दर आपका होता है, आइदर यू स्टैंड विद बोथ लेग्स, आइदर वन लेग फॉरवर्ड और बैकवर्ड एज यू विश, तो ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, दिस इज 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट। स्टार्ट का आपको पता होना चाहिए बेसिक्स क्या होता है, लाइन से आगे नहीं होना चाहिए, ठीक है, और अर्ली आपका स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जब आपका फायर ऑफ गन होगा या आपके पास क्लैपर होता है, ठीक है, उसको क्लैप करते हैं हम ऐसे वुडन का, ऑन योर मार्क सेट देन क्लैप, ठीक है, देन यू हैव टू रन, ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। और प्लस आपके पास एटलीस्ट आप स्टैंडिंग पे हो पोजीशन पे, स्टार्टिंग पोजीशन पे हो, एक फिनिशिंग में होना चाहिए आपके साथ, टू पर्सन आर ऑफिशियल रिक्वायर्ड फॉर दिस टेस्ट, ठीक है। स्टैंडिंग में हमने देखना आप जल्दी ना भाग जाओ, आप आगे लाइन से ना खड़े हो, फिनिशिंग वाले ने आपका टाइम नोट करना है स्टॉपर से। तो आपको दो आदमी इसके लिए रिक्वायर होते हैं, तो दैट इज 50 मीटर। उसमें सिंपल है, आपका टाइम नोट करना है, हमने जितने भी बच्चे हैं उनका टाइम सारा नोट करके हम लिख लेते हैं, इतने सेकंड में इसने फिनिश किया है 50 मीटर को। दैट इज फॉर स्प्रिंट, ठीक है, जिसमें आपका स्प्रिंटिंग इवेंट स्पीड, आपकी स्पीड को हम, आपने कोई भी अगर गेम खेलनी है, ठीक है, अगर आप में स्पीड थोड़ी एक्स्ट्रा होगी तो आप दूसरे को क्या कर देंगे, डोमिनेट करोगे। आप हॉकी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, आपके पास बॉल आ गई है, आपके पास स्पीड अच्छी है, दूसरे ज्यादा है, नेचुरली बॉल आजकल आपने देखा है हॉकी क्या क्रिकेट की तरह होगी, इधर से शॉट, उधर उधर से उधर और गोल,
वो ड्रिवलिंग वाला काम बहुत कम हो गया है। एस्ट्रोटर्फ जब से आपकी आई है सारा टेक्निक ही चेंज हो गई है। तो उसमें क्या है, उसमें आपको स्पीड इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। कोई भी गेम आपने खेलनी है, स्पीड की एक एज होता है। अगर आप दो आदमी तीन आदमी भाग रहे हो, अगर आपकी स्पीड उससे थोड़ी सी अच्छी होगी तो आप नेचुरली इस पे क्या हो गया 19-20 का फर्क पड़ता ही है। सेम फुटबॉल में, अगर आप बॉल लेके जा रहे हो, निकल गए हो, और जितने भी वर्ल्ड के टॉप मोस्ट के फॉरवर्ड हैं हॉकी में फुटबॉल में, दे हैव ए वेरी गुड टाइम इन स्प्रिंट 100 और 50 मीटर का। जो उनकी उनकी स्प्रिंट सी ट्रेनिंग होती है, स्किल तो सारे करते हैं पर स्प्रिंट का मेन होता है कि आप कितनी जल्दी बॉल को लेकर निकलते हैं। ठीक है, सेम इसमें आपका नेक्स्ट आ जाता है देन 600 मीटर वॉक एंड रन। ये क्या होता है, दिस इज फॉर एंड्योरेंस। 600 मीटर आपने रनिंग करनी है, वॉकिंग करनी है, दैट इज अपॉन यू। अगर आप 600 मीटर कंटिन्यूस रन कर सकते हो तो आपका टाइम अच्छा आएगा। अगर आप बीच में रुक जाते हो, वॉक करते हो, थक जाते हो, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन यू। सो इसमें भी सेम है, आपका स्टार्टिंग और फिनिशिंग लाइन लाइन पे आपके ऑफिशियल होने चाहिए। ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, आपका एक स्प्रिंटिंग इवेंट हो गया, एक इंडोरेंस का इवेंट हो गया, प्लस आपका एब्डोमेन, उसके लिए सिटअप्स होते हैं, पता है ना सिटअप्स। यू हैव टू ले डाउन विद बैक ऑन ग्राउंड, देन यू हैव टू फोल्ड योर बोथ लेग्स, होल्ड करना है पीछे बोथ आर्म्स को, देन यू हैव टू लिफ्ट योर बॉडी अपवर्ड। ठीक है, ट्राई टू टच फोर हेड विद योर नीज, नीचे से ऐसे ऊपर आना, आपकी लेग्स फोल्ड हुई है उसको टच करना है। सिटअप्स वो नहीं होते, नहीं तो मोस्टली बच्चे क्या बोलते हैं, ये बैठे जी उठ गए, दिस इज सिटअप्स। मैक्सिमम वाइवा में ऐसे बोलते हैं, तो ये माइंड में क्लियर रखना। सिटअप्स क्या होता है, सीधा लेट जाना है अपने ग्राउंड में, नीचे आपके कोई मैट होगा, ग्रास है अगर ग्राउंड प्रॉपर है वहां पे लेट जाना है, देन यू हैव टू फोल्ड योर बोथ लेग्स बोथ आर्म्स बिहाइंड योर नेक। ठीक है, सीधे से भी आप कर सकते हो, एंड देन यू हैव टू लिफ्ट योर बॉडी अपवर्ड, ट्राई टू टच योर फोर हेड विद योर नीज, दिस इज सिटअप्स फॉर बॉयज। अगर ये आप सिटअप्स रोज करते हो तो आपके जो एब्डोमेन मसल्स होते हैं, ठीक है, वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, दैट विल हेल्प फॉर योर इंडोरेंस। जितने आपके फुटबॉल हॉकी प्लेयर, आपका ये बास्केटबॉल वाले, ये बेसिक एक्सरसाइज है, हर एक गेम में सिटअप्स पुशअप एथलीट करता है। ठीक है, ये जो एक बेसिक्स जिसको हम बोलते हैं ना, वार्म अप करना है आपने, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, तो आपका सिटअप्स पुल अप पुश अप्स, ठीक है, बेंच प्रेस हाफ स्क्वेयर, ये बेसिक एक्सरसाइजेज है फॉर जनरल बॉडी ट्रेनिंग। तो ये सिटअप्स आपके ये सिंपल हो गए। अगर आपने इसके बाद, अगर आपके फैट्स बहुत ज्यादा, यहाँ पे जिनके फैट्स होते हैं, उसके बहुत आगे स्टेजेस है, ये सिंपल है, देन यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू अल्टरनेटिवली राइट एल्बो लेफ्ट नी। व्हेनेवर यू आर लिफ्टिंग योर बॉडी अपवर्ड तो आपने ऐसे साइडवेज आना है। अगर आप साइडवेज आओगे तो ये जितने भी आपके फैट्स हैं यहाँ पे इंटरनल ऑब्लिक, ठीक है, ग्लूटियस के ऊपर हो गया, ये सारे आपके निकल जाते हैं। मोस्टली वुमेन गर्ल्स और आजकल तो बॉयज में भी जो ओवर वेट है उनके भी बहुत ज्यादा यहाँ पे होते हैं, तो उसको रिड्यूस करने के दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज। ठीक है, सिटअप्स, और सिटअप्स अगर आप करोगे, इसको स्टार्ट करोगे 10 करो 15 करो 20 करो, 25 के आप 3 सेट करो डेली, आपको अपने आप ही इंटरनली लगेगा कि मैं बहुत स्ट्रांग हो गया हूँ। जब आपके इंटरकॉस्टियल मसल्स स्ट्रांग होंगे, स्ट्रेंथनिंग होगी, आपका ऑटोमेटिकली इंडोरेंस अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसी में अभी आपको एक गर्ल्स में क्या होता है, पुशअप्स हमने किए, ठीक है, पुशअप्स पता है ना कैसे होते हैं पुशअप्स। हाँ, आपने पुशअप्स करने दोनों, सिंपल है आपको, जैसे हम पुशअप्स करते हैं ऐसे ना, शोल्डर लेवल के हैंड को रखा, ठीक है, शोल्डर के पास इसको रखना है, बॉडी आपकी पूरी 90 डिग्री होनी चाहिए। पुशअप बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके यूं ऐसे ऐसे, दैट इज नॉट अ राइट पोजिशन, या फिर सिर नीचे किया हुआ ऐसे ऐसे, आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए 90 डिग्री। ये सीधी बॉडी नीचे जाएगी, सीधी ऊपर आएगी, सीधी नीचे जाएगी ऊपर आएगी, ठीक है,
पुशअप्स का भी इनको हम काउंट कैसे करेंगे, दैट इज 30 सेकेंड। आपको 30 सेकेंड दे दिए, 30 सेकेंड में आपने जितने पुशअप्स कर सकते हो आप वो हम काउंट कर लेते हैं। प्लस टू के प्रैक्टिकल्स में भी हम समटाइम इफ देर इज अ रेनी सीजन या कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है तो वहाँ पे हम ये टेस्ट लेते हैं फिजिकल फिटनेस के, सिटअप्स हो गए, पुशअप्स हो गए, 30 सेकेंड में हम काउंट करेंगे कितना बच्चा कर रहा है। ठीक है, तो ये पुशअप्स हो गए बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए उन्होंने एक मॉडिफाइड पुशअप्स कर दिए हैं कि आपकी दोनों नीज ग्राउंड पे टच होगी। ठीक है ना, आपने दोनों नीज को ग्राउंड में टच कर लिया, बाकी सेम है। दैट इज फॉर वुमेन गर्ल्स मॉडिफाइड, इसको हमने कर दिया। तो ये बेसिक्स आपकी होगी है, 50 मीटर रन हो गया, 600 मीटर वॉक होगी, रन हो गया, देन सिटअप्स हो गए, पुशअप्स हो गए। ठीक है, पुशअप्स मॉडिफाइड फॉर गर्ल्स हो गए, देन आपका शटल रन। शटल रन पता क्या होता है? शटल रन नहीं पता? भाग के टच करना, वापिस आना, टच करना, वापिस आना, दैट इज 10 × 4, 10 मीटर्स और 4 राउंड। सिंपल है, इसको आप भूलोगे नहीं। मैंने यहां से स्टार्ट किया है, सामने मैंने दो कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिए, दो बॉल्स रख दी। ठीक है, ऑन योर मार्क सेट गो, मैं यहां से भाग रहा हूं, उसको बॉल को उठा के यहां पे रख दिया, गया वापिस आया 2 राउंड, फिर गया दूसरी बॉल को लेने, फिर वापिस आ गया, 4 हो गए ना राउंड। ये आपका काउंट करना है टाइम, दैट इज शटर रन। एंड शटर रन को हम पहले बोलते थे एजिलिटी, एजिलिटी अदर नेम ऑफ दिस। आपको क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे व्हाट इज एजिलिटी, या शटर रन को हम अदर नेम ऑफ शटर रन, दैट इज एजिलिटी, AGI। एजिलिटी का मतलब, शटर रन का मतलब ये होता है कि हाउ फास्ट यू गेन योर स्पीड एंड हाउ क्विकली यू चेंज योर डायरेक्शन, बिकॉज इन ईच एंड एवरी गेम वी हैव टू चेंज आर डायरेक्शन, आर टेक्निक अकॉर्डिंग टू द ओपोनेंट। ओपोनेंट अगर हमने ओपोनेंट को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, उनको उसको रोक रहे हैं, ठीक है, तो हमको उसके हिसाब से, उसके डायरेक्शन के हिसाब से अपनी डायरेक्शन को चेंज करना होगा इसमें। इसीलिए हम तेज भागते हैं, टच करते हैं, फिर वापस आते हैं। हमने टच भी करना है, कोऑर्डिनेशन भी करना है बॉडी का, ठीक है, स्पीड को भी मेंटेन रखना है, अपनी डायरेक्शन भी चेंज करनी है, फिर वापस आना, इधर से दूसरे एंड से टच किया, फिर उधर से टच किया। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन इन विच वी हैव टू मेंटेन आवर स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन आल्सो, दैट इज शटल रन और एजिलिटी। और ये हर गेम में होती है, आपने देखा होगा हर गेम के लिए हमने एक एक्सरसाइज, बेसिक जनरल एक्सरसाइज में क्या होते हैं, हम बच्चों को ऐसे खड़ा कर देंगे, उनको बोलेंगे सिग्नल पे आपने रनिंग करनी है, जो सिग्नल आप, मैंने सपोज जैसे आप तीन हो, आपको मैं बोलूंगा यस स्टार्ट रनिंग फॉरवर्ड, आप फॉरवर्ड भागोगे, देन बैकवर्ड, बैकवर्ड तेज भागना, ऐसे नहीं कि पीछे भागे, फास्ट क्विक मूवमेंट होनी चाहिए, देन अगेन राइट, आप राइट भागोगे, देन लेफ्ट, लेफ्ट। दो दिस ड्रिल फॉर पर्टिकुलरली दैट एक्टिविटीज विच आर एक्चुअली यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व वाइल यू आर प्लेइंग एनी आउटडोर गेम, वहां पे राइट लेफ्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड आपको भागना पड़ता है। ठीक है, हर गेम में ऐसे है ना, आपसे बॉल ले ली तो ओपोनेंट ने ले ली, वो पता नहीं किधर भागेगा, आपने उसको टैकल करना है तो आपको उसके पीछे लगे रहना पड़ेगा। हर गेम में इसमें होता है मैन टू मैन, यू हैव टू कवर योर ओपोनेंट, उसके पीछे लगे रहना पड़ता है, उसको टैकल करते रहो, इंटरसेप्ट करते रहो। तो ये चीज आपको शटल रन वहां पे बहुत काम आती है। देन देयर इज अ वन मोर, दैट इज अ स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। ठीक है, एक जगह पे लाइन लगी, आपने दोनों लेग्स को ऐसे खड़े हो जाना प्रॉपर, आगे पिट बनी होगी वहां पे, सैंड या मिट्टी की बनी होगी जिसमें आपको चोट ना लगे। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप इज फॉर योर लोअर लेग स्ट्रेंथनिंग, आपने ऐसे बैठना है, ठीक है, आर्म्स को स्विंग करना है पूरा और आगे जंप करनी, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जस्ट लाइक जिसको हम लॉन्ग जंप बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप मींस कि यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनी रन अप, आप भाग के नहीं आना पीछे से, आपने अपनी जगह खड़े होना है, वहां से मेन आपका जो डिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा कि आप कितना ऐसे नीचे से स्विंग लेके आर्म्स को ऊपर लिफ्ट करते हो बॉडी को, आर्म की हिप की बहुत ज्यादा आपकी उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। हाउ फास्ट हाउ क्विक यू लिफ्ट योर बॉडी अपवर्ड, आर्म्स को ऊपर रेज करोगे तो बॉडी जल्दी आगे रेज होके आगे डिस्टेंस ज्यादा जाएगा, वहां पे आपका डिस्टेंस काउंट करते हैं, दैट इज योर स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर लोअर लेग। जैसे आपने लॉन्ग जंप करनी है, इफ यू आर गोइंग फॉर एनी
एक्टिविटी इन इन विच योर लोअर पोर्शन इज इन्वॉल्व. जैसे हम हाउ वी फाइंड आवर स्ट्रॉन्ग फिट, आपको कैसे पता कि आपका राइट स्ट्रॉन्ग है कि लेफ्ट लेग स्ट्रॉन्ग है? आपने देखा होगा ना लॉन्ग जंप मोस्टली वर्ल्ड में टेक ऑफ लेफ्ट लेग से करते हैं. आप राइट हैंडेड भी हैं बट एथलीट व्हेन दे आर टेक ऑफ बोर्ड से जब अपनी बॉडी को लिफ्ट करते हैं तो मोस्टली दे यूज देयर लेफ्ट लेग. तो हाउ वी फाइंड द स्ट्रॉन्ग फिट, हम क्या करते हैं, ऐसी लाइन पे खड़े हो गए, हमने पहले लेफ्ट से जंप किया, ठीक है, 5, 6, 7, 8 टाइम, देन राइट से जंप किया. हमारा डिस्टेंस जिससे ज्यादा आ रहा है दैट इज योर कंफर्टेबल लेग फॉर योर एनी जंप, ठीक है. आपने बॉलर्स को देखा होगा ना, वो क्या करते हैं ऐसे यहाँ पे विकेट के पास खड़े होंगे, वहां से स्टेप लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है. व्हाई दे आर टेकिंग सच टाइप ऑफ स्टेप्स? बिकॉज व्हेन दे डिलीवर द बॉल, व्हेन दे आर लिफ्टिंग लास्ट स्ट्राइड ऑफ देयर रिलीजिंग द पॉइंट, उनका जो एक्शन है वो रिदमिकली होना चाहिए. ये नहीं आप भाग के आए फिर रुक गए, फिर रुक गए फिर भाग गए. कभी आपने ऐसे देखा है बॉलर को, जब उसके स्टेप खराब होते हैं तो सीधा भाग के साइड पे चला जाता है. तो वो आपका एक रन अप होता है और रन अप का बहुत रोल होता है आपकी किसी भी इवेंट के लिए. आपने बॉलिंग करनी है, ठीक है, आपने लॉन्ग जंप करनी है, आपने हाई जंप करनी है, जो आपके स्टेप्स होते हैं वो मेन होते हैं. और आपने कभी भी देखा होगा अगर ध्यान से, जो फास्ट बॉलर होते हैं जब वो बॉलिंग करते हैं तो उनके फुट स्टेप छप जाते हैं ग्राउंड में. अभी मैच होगा देखना के ध्यान से, उनके पैरों के निशान छपे होंगे और उसी फुटप्रिंट पे वो भागते हैं. मतलब दे आर, उनका जो रिदम होता है वो इतना स्मूथ इकोनॉमिकली होता है कि वो एक ही रिदम एक ही फुटप्रिंट पे भागेंगे. ऐसे नहीं कि एक ऐसे भाग रहा है फिर ऐसे भाग रहा है, वो जो डायगनल वाला डायगनल भाग रहा है, जो सीधा भाग रहा है सीधा भाग रहा है, उनके वही फुटप्रिंट वही स्टेप होंगे. तो ये चीजें, अब आपने हाई जंप करना, हाई जंप का आप, हाई जंप हम राइट हैंडर है बट हम वहां लिफ्ट करते हैं तो ऐसे करते हैं लिफ्ट, जो लेटेस्ट टेक्निक वर्ल्ड की अब आ गई फॉसबेरी फ्लॉप, ठीक है. तो ये सारी टेक्निक है, ये हमने सारे जितने आपको टेस्ट बताए हैं अभी, ये सारे टेस्ट आपने चेक करते हैं बच्चों को. दिस इज अ मोटर फिटनेस टेस्ट, ठीक है. उसमें हम उसकी पूरी स्पीड स्ट्रेंथ लोअर बॉडी अपर बॉडी, ठीक है, इसी में बैरो टेस्ट आ जाते हैं फर्दर 3 जनरल मोटर फिटनेस. उसमें आप इन्वॉल्व कर देते हो एक जिग जैग रनिंग, ठीक है, जिग जैग रनिंग करते हैं. जैसे आपके डिफरेंट गेम में ऐसे भागना ऐसे भागना, आप डिफरेंट ऑब्स्टिकल रख देते हो, कोन रख देते हो, कोन के बीच में से भागना आना, ठीक है, वो जिग जैग रनिंग होगी. देन उसमें किस बॉल को शोल्डर के पास रख के ऐसे थ्रो करेंगे, वो शोल्डर स्ट्रेंथ आपकी चेक हो जाती है. तो ये सारे टेस्ट उन्होंने इसीलिए बनाए हैं कि सो दैट आपको एक बेसिक चीज मिल जाए कि हर आदमी में क्या क्या चीजें कॉमन है और कौन उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. जो हम टैलेंट सर्च करते हैं, जैसे आपके ओलंपिक के भी ये जो कैंप होते हैं या मैचेस होते हैं, ये 4 साल पहले ही आपके एडवांस में बुक हो जाते हैं सारे प्लेयर्स. ये अभी नहीं है कि आपने अभी ओलंपिक आ रहा है देन यू स्टार्ट दिस ऑल. उन्होंने क्या करना है, अभी से टैलेंटेड बच्चों को ले लेना है, उसके बाद वो 4 साल कैंप में रहेंगे. आपका पटियाला में अभी लॉकडाउन में क्या हुआ था, लॉकडाउन में ट्रायल थे आपके ओलंपिक के लिए, तो गवर्नमेंट ने सारा कुछ बंद किया हुआ था. देन देयर इज अ ऑर्डर फ्रॉम द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड स्पोर्ट्स यूथ एंड वेलफेयर सोसाइटी, अपना डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, कि जो भी बच्चा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग के ट्रायल देना चाहता है, और जिन बच्चों की कोई, जैसे आपके पंजाब पुलिस की निकली थी पोस्ट है या कोई आर्मी की या कुछ है, वहां पे जो आपने ग्राउंड टेस्ट देना है ट्रायल देने, उसके लिए आप ग्राउंड में प्रैक्टिस कर सकते हो. नेचुरली अगर आपने कोई इवेंट के ट्रायल देने तो आपको ग्राउंड तो जाना पड़ेगा ना, उनके लिए स्पेशल रिलैक्सेशन थी. फिर जितने आपके सेंटर हैं अभी जब खुले हैं तो वहां पे एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की आई थी कि दोज हु आर अ नेशनल प्लेयर, दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन एनी रिक्रूटमेंट, कोई भी पंजाब पुलिस की कोई भी फोर्सेस की है, वो ग्राउंड में जा सकते हैं, वो अपनी डेली का एक्सरसाइज शेड्यूल जो भी वर्कआउट वो कर सकते हैं. तो वहां पे आपको डेली प्रैक्टिस, जो खेलने वाला बच्चा है वो डेली ग्राउंड जाएगा ही जाएगा, वो एक दिन दो दिन ही जाएगा तो वो काम खराब है. जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं बच्चे वो घर पे रुक ही नहीं सकते, उनका उन्होंने दोनों सेशन अपने प्रैक्टिस करनी करनी है. जो नेशनल प्लेयर्स हैं, आपको पता लॉकडाउन में बच्चों ने क्या किया हुआ था, घरों में किसी ने अपना टेबल, किसी ने छत पे कुछ बनाया हुआ है,
अपनी फिटनेस पे कर रहे हैं, कोई साइकिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, डेढ़ डेढ़ साल कोई घर पे तो नहीं बैठेगा जो खेलने वाला बच्चा है वहाँ पे, जहाँ पे कई ऐसे सेंटर प्राइवेट कोचिंग है वो कई उन्हें खोले, आपने देखा होगा सम टाइम देर इज अ डिफरेंट, पुलिस की भी वहाँ पे रेड्स पड़ती हैं, क्यों खोले हैं कैसे की हैं, बट वो कोई ना कोई अपना वर्कआउट करते ही रहते हैं, किसी ने घर पे कर लिया, किसी ने अपना कोई हॉल है वहाँ टेबल लगा लिए, कोई टेबल टेनिस वहाँ चल गया, इंडोर वाले वहाँ पे चले गए, जो आउटडोर वाले रोड पे चले गए, साइकिलिंग कर ली है, जितनी साइकिल इस साल सेल हुई है ना, जो साइकिल वाले वो बोलते हैं मैं हमने तो कई बार जिंदगी में इतनी साइकिल बेची जितनी अभी बेच दी, इतनी साइकिल्स, आपका बैडमिंटन रैकेट, ठीक है, ये चेस हो, कैरम बोर्ड हो गया, ये बहुत सेल हुई, तो दिस इज रिगार्डिंग योर मोटर फिटनेस टेस्ट। इसी में बेटा एक टेस्ट है रिकली एंड जॉनसन, उन्होंने देखा कि वर्ल्ड में सारे लोग बच्चों पे टेस्ट कर रहे हैं, टीनेजर्स पे, मोटर स्किल्स पे कर रहे हैं, एंड नो बॉडी इज अवेयर अबाउट द फिटनेस ऑफ सीनियर सिटीजन, जो एज पर्सन है, जो 60+ है, उनका भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि उनको भी पता लगे हम हमारी फिटनेस लेवल क्या है, हम कितने फिट है। तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट एक टेस्ट बैटरी बनाई, दैट इज फॉर सीनियर सिटीजन, उसको हम बोलते हैं सीनियर सिटीजन रिकली एंड जोन्स फिटनेस टेस्ट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट देखा कि फिटनेस जब एज ज्यादा होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे उसको चेक कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या क्या किया, सिट एंड स्टैंड टेस्ट, सिंपल एक चेयर है उसमें आपके साइड पे क्या होगा, आर्म नहीं होगी, आर्म रेस्ट, इस टेस्ट में मोस्टली वो चेयर यूज करते हैं जिसमें पकड़ने को नहीं होगा आर्म, आपने क्रॉस अपने ऐसे हैंड्स किए चेस्ट के पास रख लिए ऐसे, ठीक है, शोल्डर आपके लेवल पे, आपकी लेग्स ओपन होगी, आपने ऐसे करना है, ऐसे चेयर्स पे ऐसे बैठ जाना, ठीक है, फिर ऊपर हो जाना, मतलब 30 सेकेंड आप कितनी बार बैठ रहे हो, ऐसे नहीं आप बैठे हो ऐसे चेयर पकड़ ली, उठ रहे हो चेयर पकड़ के उठ रहे हो, आपको विदाउट द हेल्प ऑफ योर हैंड एंड एनी अदर, आपने जो 60+ है, ठीक है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है, बड़े लोग जो ओवर वेट है वो सीधे नहीं बैठ सकते ऐसे, ऐसे करना तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत से बच्चे हैं जो 40, 50, 60 वाले हैं वो नहीं बैठ सकते, जो ओवर वेट है या जिनके नीज प्रॉब्लम है, बैक एक है, वो ऐसे सहारा लेके ऐसे करके बैठेंगे, ऐसे करके बैठेंगे। तो दिस इज सिट एंड स्टैंड टेस्ट, आपने दोनों आर्म्स को क्रॉस करके ऐसे चेस्ट के पास रखना है, शोल्डर लेवल पे लेग्स को खोलना है, सीधा ऐसे बैठना है, सीधा ऊपर आना है, हैंड्स आपके इधर उधर नहीं जाएंगे, वो 30 सेकेंड आपका टाइम रखा होगा, 30 सेकेंड में काउंट करेंगे आप कितने ज्यादा रेपिटेशन आप लगा रहे हो, दैट इज योर फिटनेस लेवल। आपको मैं सिंपल बताता हूँ, जो भी डायबिटिक नहीं, जो ओबेस ओवर वेट होता है आदमी, वो अपने लेसिस तक नहीं बांध सकते, आपने बहुत से देखे होंगे, और ओल्ड एज में 60 के बाद आपकी ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो जाती है ऐसे झुकने पर, ठीक है, मोस्टली लोगों के स्टमक ये तंग करता है ओवरवेट करके, तो आप ऐसे वाला तो बेंड कर ही नहीं सकते हो ऐसे, इससे ज्यादा नहीं, वो फिर उठाएंगे ऊपर रखेंगे या लेसेस फिर बांधेंगे, इसीलिए ये इन्होंने सीनियर सिटीजन के बड़े अच्छे टेस्ट रखे हैं, ठीक है, सिट एंड स्टैंड टेस्ट सिंपल है। इसके लिए क्या चाहिए, आपको एक चेयर चाहिए, चेयर को वॉल के साथ लगा लेना, चेयर को सेंटर में नहीं रखना, कई बार बंदा ऐसे बैठता है तो गिर जाएगा, इस इन सब टेस्टों में एक चीज ध्यान रखना है, चेयर आपकी वॉल के साथ फिक्स होनी चाहिए, सो दैट अगर कोई झटके से बैठ गया या ऐसा हो गया तो वो कहीं इधर उधर हिले ना, इसका सबसे मेन प्रिकॉशंस यही है। देन उसकी आर्म नहीं होनी चाहिए, आर्म रेस्टिंग वाली चेयर नहीं चाहिए हमको, जो बिल्कुल प्लेन होगी वो चाहिए। देन देर इज अ डिफरेंट नेक्स्ट टेस्ट आपका क्या है, दैट इज सिट एंड रीच टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट, जैसे आप बैठे हो, ठीक है, ऐसे इधर आ जाओ साइड पे बैठो, हाँ, एक लेग को बाहर निकाल लो, इसको स्ट्रेट कर लो, बिल्कुल स्ट्रेट, हाँ, अब इसको टोज को टच करना, हाँ, बोथ बोथ आर्म से, हाँ, दोनों हाथ से आगे जाना ऐसे, हाँ, ज्यादा ना करी जितना एक कर सकता हूं ना, नहीं तो हाँ बस जितना कर सकता है, ये सिट एंड रीच टेस्ट मींस कि आप, दिस इज फॉर योर लोअर बैक फ्लेक्सिबिलिटी, एक आपकी लेग बिल्कुल जैसे स्ट्रेट रहेगी जैसे आप बैठे हो 90 डिग्री में, बिल्कुल दूसरी आपकी एक्सटेंड करनी है पूरी, एक बैंड मतलब रहेगी और ये पूरी फर्म रहेगी, ठीक
दूसरी बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, अगर आप उसको टच करते हो इट मीन्स कि यू हैव अ गुड फ्लेक्सिबिलिटी, अगर जितना आपका गैप रहता है वो आपका माइनस होता रहता है, अगर आप उस टोज से आगे भी अपने को लेके जा रहे हो दैट इज योर एवरेज से गुड से और बहुत अच्छी है, ये कैटेगरीज हम थ्री काउंट करते हैं, एक एवरेज हो गया, एक बिलो हो गया, एक उससे अपर हो गया, जो एक्सीलेंट कैटेगरीज हो गई है, ठीक है। तो उसमें ये मेन चीज आपका काउंट करते हैं, सिट एंड रीच टेस्ट में लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी आपने टेस्ट करनी है। देन देयर इज ए बाइसेप्स कर्व, बाइसेप्स आपने डंबल्स पकड़े खड़े हो गए सीधे, ठीक है, उसको अपवर्ड डाउनवर्ड करना है, वो भी 30 सेकंड में हमने काउंट करना है, ऐसे हाफ नहीं होने चाहिए, पूरी बेंड पूरा एक्सटेंड, ठीक है। कई बार ऐसे करते हैं ना, कहीं देखा होगा आपने ऐसे ऐसे करते हैं, उसका कोई यूज नहीं, जब तक आप इसको पूरा बेंड नहीं करोगे, क्लोज नहीं लेके जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं, नीचे भी ऐसे छोड़ दिया तब भी कोई फायदा नहीं, पूरा एक्सटेंड करना है और उसको बेंड करना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बाइसेप्स कर, दिस इज फॉर योर बाइसेप्स स्ट्रेंथ ऑफ योर बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, वो हम देखते हैं कि 60 प्लस जो आदमी है उसकी स्ट्रेंथ की पावर कितनी है, ठीक है। कई लोग आपने देखा होगा 70-80, आपने मिल्खा सिंह को देखा है, स्टिल अभी डेथ से पहले भी वो इज क्वाइट फिजिकली फिट, कोरोना करके वो दो बार लड़े हैं, कोरोना से बाहर भी आ गए थे, देन देर इज ए फेलियर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेन्स, ठीक है। अदरवाइज उनका रूटीन था कि सुबह मॉर्निंग वॉक, लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग जॉगिंग करनी, तो वो रेयर होते हैं कि सेज में भी आप यू आर डूइंग सेम वर्क एज यू आर इन अ अर्ली एज, जो आप अपने मिडल एज अर्ली एज में काम करते थे। बाइसेप्स कर्ल हो गया आपका, देन इसके पास एक बैक, आपका बैक को हम जो अपने बैक है इसको फ्लेक्सिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए बैक स्क्रैच टेस्ट, ये आप ऐसे कर सकते हो पीछे ऐसे, अब इसको चेंज करो आर्म को, टुडे वी विल डिस्कस ओनली दिस, टुमारो नाउ चेंज योर आर्म,